दोस्तों, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है और एज आपकी है 18 to 33 यानी 18 साल से 33 साल, तो आज का ये वीडियो आपके काम का हो सकता है और आपका ये सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, अभी के टाइम में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया सेट्स या फिर एयर इंडिया के रिगार्डिंग में बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आ रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि एक ही वैकेंसी बार बार क्यों लेकर आ रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये सारी के सारी वैकेंसी एक नहीं है बल्कि अलग है। बात यह है कि एयर इंडिया जब से प्राइवेट हो रखी है, टाटा के पास आई है दोबारा से, तो दोस्तों तब से एयर इंडिया में बहुत तरह की वैकेंसीज आ रही हैं, जो कि ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू, पायलट, कैप्टन, टेक्नीशियंस, यहाँ वहाँ हर जगह के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। तो दोस्तों, अभी के टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा, आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप उसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को कम से कम 6 महीना लगातार देखिए। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो वैकेंसी है ये है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की, जो है एक वॉक इन इंटरव्यू। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ या फिर ग्राउंड ड्यूटीज के लिए ये जो वैकेंसी कंडक्ट हो रही है, ये हो रही है कोचीन, कालीकट और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ये जो वैकेंसी है ये है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और बाद में आपके परफॉर्मेंस और कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपकी जो जॉब है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो सकता है। यहाँ पर बात करें अगर हैंडीमैन की, तो दोस्तों कोचीन, कालीकट और कन्नूर के लिए ये जो वैकेंसी है हैंडीमैन की, इसके लिए आप मिनिमम 10th पास होनी चाहिए या फिर SSLC। लैंग्वेज नोन में इंग्लिश और हिंदी जरूरी है, समझ में आनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो अराउंड 14,600 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। बात करें एज की, तो जनरल के लिए 28, ओबीसी 31 और SC/ST 33 ईयर्स के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 11th ऑफ जनवरी को ये जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, इसका एड्रेस और टाइम देख पा रहे हैं आप वीडियो के स्क्रीन पे। दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, उसके लिए आप 10th पास होने चाहिए या फिर SSLC। इसके अलावा दोस्तों ये जॉब ड्राइवर की है, इसलिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी लगभग 16,500 और एज आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। 12th ऑफ जनवरी को ये जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं दोस्तों, इसका डिटेल, एड्रेस, डेट, टाइम, प्लेस आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। हैंडीमैन में अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका फिजिकल टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और ड्राइवर में बात करें तो आपका जो टेक्निकल पार्ट है यानी कि ड्राइविंग और इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं वो सब लेकर चले जाना है आपको, जो भी मैंने एड्रेस बताया था। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुलता है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है वो फॉर्म जिसका प्रिंट आउट लेकर आपको फिलअप करना है, इस पे अपना फोटो चिपकाना है, और अभी जो आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर, साथ ही साथ अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जो कि आपको इसी फॉर्म के अंदर मिल जाएगा नीचे वाले पार्ट में, उन सबको लेकर रेडी कर जीरोक्स कॉपी और साथ ही साथ ओरिजिनल लेकर, और सबसे खास बात 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लेकर जो कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रहेगा, पेएबल एट मुंबई, और उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर लेकर चले जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। अगर आप एक सर्विसमैन या फिर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी यहां पर नहीं लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। तब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।